डेविड आपको देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है खुश हो उठता है कितना काम किया है साथ में कितना साथ में काम किया यू रिमेम्बर जब मैं सारांश एडिट करता था इनकी पहली फिल्म थी तो ये रोज आ जाता था एडिटिंग में यार मैंने बोला इसको बाहर निकालो यार ये क्या बार बार आ रहा है <laughs> आज कुछ भी हो सकता है देखो इसके शो में बैठा हुआ है मैं।, <laughs> 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 मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों 1984 में सारांश की एडिटिंग चल रही थी हमने फर्स्ट जनवरी से शूटिंग शुरू की थी और डेविड धवन उसके आ, एडिटर थे और ये आ, जब एडिट करते थे क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी मैं हर रोज वहां पहुंच जाता था और ये हर रोज मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देते थे तो तीस साल की जर्नी में डेविड का ग्राफ और मेरा ग्राफ आ, हमें एक दूसरे के करीब लाया लेकिन ना डेविड चेंज हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ ना मैं चेंज हुआ करेक्ट बात है छोटे शहर के लोग मिडिल क्लास के लोग से रहते हैं यहाँ से रहते हैं डेविड <laughs> आपका नाम एक्चुअल नाम क्या है मेरा एक्चुअल नाम, नाम राजेंद्र है राजेंद्र धवन <laughs> अरे <laughs> राज, डायरेक्टेड बाय राजेंद्र धवन मजा नहीं आता डायरेक्टेड बाय डेविड धवन

जिसको बोलते हैं लक्ष्य की बात होती है ना कोई लक्ष्य ही नहीं था मतलब अभी करे क्या अभी मैं कहा जाऊं पढ़ने पढ़ाई में कैसे थे पढ़ाई में बहुत अच्छा था बट पढ़ता नहीं था अच्छा दो तरीके होते हैं <laughs> <laughs> तो मतलब उस पीरियड में क्या हो गया मेरा ब्रदर भी एक्टर बन गया अन तो वो थोड़ा सा बहक गया मैं अच्छा यू नो वो लाइफ से भी एक आध बार बॉम्बे गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा यार एक्टरों को मिलना इसको मिलना मैं भी जाता था तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं जो बोले लक्ष्य की बात क्या है हाँ, तो मकसद था ही नहीं कोई मकसद नहीं मैं करूं क्या भी, करूं क्या तो मैंने कहा इंस्टीट्यूट का, का एग्जाम देता हूँ हाँ, अच्छा। मैं वहां पहुंचा जब तो वहां मैं देख रहा हूँ इतने अच्छे अच्छे एक्टर थे राकेश बेदी था सतीश शाह था ये सब मेरे साथ के उधर सब देख रहे हो रही थी सब कुछ चल रहा था मैंने कहा यार ये तो बस की बात नहीं है बाबू मैं एक्टिंग नहीं कर सकता मतलब शीशे में अपनी शक्ल देख के आदमी एक्टिंग नहीं बन एक्टर नहीं बन सकता वो अलग गेम है <laughs> <laughs> मैंने कहा भैया आई वेंट टू रोशन तनेजा तो उसने बोला यू हैव अ सेकंड चॉइस अच्छा तो दूसरा कुछ कर ले आई फील्ड एडिटिंग अच्छा मैंने कहा चल एडिटिंग कर लेते हैं बोले एडिटिंग क्यों कर ले बोले डायरेक्टर बनूंगा तो

मुझे याद है एक दिन वहाँ एवरी एवरी डेट फाइव ओ क्लॉक एक पिक्चर दिखाई जाती है एक दिन मैं अंदर घुसा पिक्चर शुरू हो गई थी मैं अंदर आके देखता रहा देखता रहा पिक्चर उठा ही नहीं hmm. वो एक बंगाली फिल्म थी hmm. उसमें सब टाइटल भी नहीं था तो मैंने कहा यार ये भी सिनेमा होता है यार अच्छा। मतलब दिस इज़ ये किया, ये किया डायरेक्टर है 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 कौन हाँ, है क्या मेगा डाका तारा थी द मेकर वाज घटक घटक दैट चेंज्ड माय लाइफ वो वो ही कुछ अजीब था इतना मुझे असर पड़ा कि सुबह सात बजे मैं क्लास पे पहुंच गया और मैंने बोला नहीं मुझे कुछ करना है अभी और मैं सीरियसली आई स्टार्ट मतलब एडिटिंग की, मैंने, अगर जिंदगी से भटका हुआ इंसान एडिटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हासिल कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है हो सकता। <laughs> एक चीज बताऊंगा जो तो असली जर्नी है ना वो शुरू होती है मुंबई में मुंबई में <laughs> जो आपकी भी हुई है करेक्ट मुंबई आया तो रहने की पहली प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने की प्रॉब्लम दोस्त थे मेरे इंस्टीट्यूट के सब तो आए देम तो एक कमरे में कितने लोग रहते थे हम लोग थे कुछ पांच जने थे एक कमरे में बस सुबह एक कप चाय मिलती थी आ, और निकल जाते थे स्ट्रगल करने तो मुझे अपना दिन का चर, दिनचर्या बताओ क्या करते थे क्योंकि मैं अपनी मेरी जिंदगी भी जुड़ी हुई है मैं देखो, मैं सो... हाँ, हम लोग तो करेक्ट मैं तो मेरा तो एड्रेस ही आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार बॉम्बे आया तो मैं एक छोटे से मेरी धोबन मेरी मकान मालकिन थी मगर मेरा एड्रेस बड़ा कमाल का, का था मेरा एड्रेस था अनुपम खेर टू बाई फिफ्टीन खेरवाड़ी खेर नगर खेर रोड बैंड्रा ईस्ट एंड यू टू बसेस सर फोर लिमिटेड सर फोर लिमिटेड खाने पीने का सर मैंने टेलीविजन ज्वाइन कर लिया एज एन एडिटर तो मुझे कुछ सात सौ रुपए मिलते थे तो उसमें काम हो जाता था कुछ सात सौ रुपए में खाना भी खाते थे रहते भी थे और मुझे याद है मैंने चार पेंटे भी बनवाई थी चार पेंटे बनवाई थी <laughs> कपड़े भी मतलब जो है ना मेरे उन दिनों में फर्स्ट ब्रेक बत... मिला फिर आपको सावन जी सावन जब मैं इंस्टीट्यूट में एडिटिंग कर रहा था ना तो एक दिन अचानक एक गाड़ी आई बड़ी और एक शख्स उतरे और वो अंदर ढूंढते हुए मुझे आ आगे और मैं टेबल पे कटिंग कर रहा था मुझे देखते है

वो है डायरेक्टर डायरेक्टर हाँ। उसकी औकात हमको मालूम हो जाती है काम करते है, इसको कितना आता है <laughs> बट जब वो बाहर निकलता है वो डायरेक्टर है लोकार सर क्या पिक्चर बनाई है बट वह देख के बोलता है अरे इसको कितना आता है <laughs>